साथियों देखो, इन रास्तों से जाना पड़ता है एक पत्रकार को। कई लोग घर बैठ करके कुछ भी बोलते रहते हैं, गलत कमेंट करते रहते हैं। एक बार निकल करके देखिएगा, अभी हम कवरेज करने जा रहे थे पटड़ी के ऊपर और इतनी स्लिप हुई पड़ी है रास्ते पर, बुरा हाल हुआ पड़ा है। मोटरसाइकिल आप देखो क्या लात हो चुके हैं। ये रास्ते हैं जहाँ से इतनी स्लिप करके बाइक जाती है, आप लोग समझ नहीं सकते। तो कृपया यार सम्मान किया करो, खबर शेयर किया करो और हौसला बढ़ाया करो इन पत्रकारों का, जो घर बैठे आप लोगों तक सभी खबरें पहुँचाते हैं। निरंतर लगभग 5 से 6 JCB यहाँ पर चलाई जा रही हैं। मिट्टी के डंपर है वो लेकर के आ जा रहे हैं JCB के माध्यम से, और आप देख सकते हैं पोपलाइन जो मशीन है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 JCB दिन रात यहाँ पर वर्किंग करते हुए नज़र आ रही है, जिसके कारण जो है तटबांध को बंद किया जाएगा। साथियों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय पर, आप देख रहे हैं HGN 24 पर। इस समय आप देख सकते हो जो समसपुर से जो तटबंध टूटा था, आप देख सकते हैं शमशान घाट के बिल्कुल सामने से, वहाँ पर पानी तो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रशासन है लगातार 2-3 दिन से यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके कारण जो अभी कुछ उम्मीद हुई है कि ये पटड़ी आज शाम तक इसको बांध दिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य जोरों शोरों पर चला हुआ है, मिट्टी के डंपर स्पीड में आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मिट्टी के जो डंपर है वो कलसोरा साइड धंसने के कारण जो है मिट्टी का आवागमन बंद हो चुका है। तो अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो समसपुर का तटबांध था वो आज शाम तक, कोशिश है कि आज शाम तक जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मैं बताऊँ तो लगभग 20 फीट के आसपास, 20 से 25 फीट के आसपास अभी भी जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ है, क्योंकि गहरा काफ़ी था और जो मिट्टी है वो मिट्टी समय पर डाली जा रही है, डंपर के द्वारा मिट्टी डाली जा रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं रविंद्र डांगी के साथ HGN 24 पर। हालात इस समय पर आप देखिए, इधर मनरेगा के जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, वो अपना जो कार्य है कट्टे बांधे जा रहे हैं, कट्टे भी इसके बाद लगाए जाएंगे, कट्टे बांध करके साइडों में रखे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और जो समसपुर का बांध है अभी तक जुड़ा नहीं है। ये तस्वीरें आपको लेटेस्ट आपको दिखा रहे हैं HGN 24 के माध्यम से। मेरी सभी साथियों से अपील रहेगी कि इस खबर को शेयर करिएगा, और चारों तरफ आप हालात भी देख सकते हैं, मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ चुकी है, जो गोहर था इंटों का वो फट चुका है, जो रास्ता था जो कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो लोगों के खेत थे जीरियाँ लगी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं पेड़ जो है, पूरे के पूरे पेड़ जो है वो पानी में बह करके लगभग आप देख सकते हैं 500 फीट दूर गिरे हुए हैं। इतना बहाव तेज था इस जगह का, इस तटबंध का जो बहाव था बहुत ज़्यादा तेज था, और आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया में जो नुकसान है वो भी काफ़ी मात्रा में हुआ। इधर आप देख सकते हैं गांव समसपुर का जो शमशान घाट बना हुआ था वो भी, उसकी जो दीवारें हैं सभी दीवारें हैं वो भी टूट चुकी हैं, गिर चुकी है, और हालात आप देख सकते हैं पानी जो है ज्यों का त्यों इस जगह पर खड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी आप सभी साथियों से, सभी दर्शकों से अपील रहेगी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग हमें फ़ोन कर रहे थे बार बार अपडेट पूछते हैं उन लोगों तक मैं खबर पहुँचा दूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरों के अंदर जो तटबांध है उस पर कार्य तो चला हुआ है, लेकिन अभी जो है बंद नहीं हुआ है, क्योंकि कल बारिश हो गई थी, बारिश के कारण जो पूरा जो आप देख सकते हैं जो ये पूरी पटरी है बारिश के कारण ये ख़राब हो चुकी है, जिससे गाड़ियाँ डंपर जो है फिसल करके आ रहे हैं, और इस बारिश के कारण जो है जो डंपर है कलसोरा साइड से जो मिट्टी आ रही है वो डंपर भी वहाँ पर 2-3 डंपर जो है वो फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं मिट्टी के अंदर, उनको निकालने के बाद जो मिट्टी वो फिर दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। और इस समय पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया आप देख सकते हैं गाँव गढ़पुर की तरफ से जो रास्ता आता है, यहाँ पर भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। चारों तरफ जो बाइक है वो स्लिप कर रही थी, कपड़े भी आप देख सकते हैं कैसे हो गया, पैंट भी फट चुकी है आप देख सकते हैं। तो बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो मिट्टी है वो चढ़ाई जा रही है, जिसके कारण जो है इसको बंद करने का कार्य जो वो शुरू हो रखा है, शुरू किया जा रखा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें HGN 24 के माध्यम से। मेरी आप सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपका भी लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। अभी तक जो समसपुर का जो बांध है वो बंद नहीं हुआ है, लगभग अब भी जो है 20 से 25 फीट की जो दूरी है वो अभी पेंडिंग है। खबर को देखते रहिएगा और शेयर करिएगा, लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। समसपुर का जो तटबंध था उसको बंद करने की जो मशक्क़त है, जो कोशिश है वो जारी है। इधर जो यमुना का आप एरिया देख सकते हैं, यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पानी है वो सूख चुका है, मतलब यमुना की तरफ जा चुका है, और ये जो पानी यहाँ पर नीचा था एरिया वहाँ पर एज इट इज खड़ा हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किक्कर वगैरह जो खड़े हुए थे वो यहाँ पर टूटे हुए हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में जो है बाढ़ पहुँची थी और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं, चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं इस समय पर
जो देख सकते हैं सीजन 24 के माध्यम से ग्राउंड जीरो से मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनों के द्वारा, डंपर के द्वारा जो है मिट्टी वो आगे की जा रही है, डंपरों के द्वारा जो भी आगे की जा रही है, फिर इस मिट्टी को जो है आगे इसमें डाला जाएगा और उसके बाद जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाया जा सके, लेटेस्ट न्यूज आप लोगों तक जो पल पल की न्यूज़ है वो पहुंचाई जा सके, जिसके कारण हमें काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जो इस समय पर समस्तपुर का जो तटबांध है उस पर जो कार्य है वो चला हुआ है। आप मेरे सामने जो मजदूर है वो मिट्टी डालते हुए नजर आ रहे हैं। सभी साथियों से अपील यही रहती है कि खबर को शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना प्रेम प्यार दीजिएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे समय पर आप देख सकते हैं समस्तपुर तटबांध जो बना हुआ है वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीजन 24 के माध्यम से। इस समय पर मेरी आप सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे यमुना नदी का जो तटबांध टूटा था गाँव समस्तपुर से, वहाँ से लाइव तस्वीरें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना जो एरिया है वो अभी बचा हुआ है बंद करने के लिए। कल बरसात भी काफ़ी हुई है और अभी 81,000 क्यूसिक जो पानी है यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से निरंतर बह रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है वो ठीक है। और देखिए आप जेसीबी के माध्यम से जो है जो मिट्टी है उसको आगे लेकर के जा रहा है, जाया जा रहा है। और उम्मीद है अगर ऐसे ही कार्य चलता रहा तो शाम तक, हो सकता है शाम तक जो है इस बांध को बंद कर दिया जाएगा। तो खबर को शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे एक्सीजन 24 पर, रविंद्र डांगी के साथ, धन्यवाद।